उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसका असर टीवी स्टूडियो में देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एक टीवी शो में शामिल होने पहुंची थी। यहां उन्होंने पीछे लगी स्क्रीन पर राम मंदिर की तस्वीर देखी। इसे देखते हुए ही वह भड़क उठी। शो के एंकर के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। राकेश टिकैत ने एंकर से पूछा कि किसके कहने पर मंदिर मस्जिद दिखा रहे हो। उन्होंने टीवी चैनल पर देश को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद के बजाय अस्पताल की तस्वीरें लगाओ। आपको बता दें कि राकेश इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम चुनावी मंच में शामिल होने के लिए पहुंची थी। चर्चा में शामिल होने के लिए जब वह पहुंचे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा था किसान का मुख्यमंत्री कौन और नीचे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीरें लगी थी। इसे देखते ही टिकैत भड़क उठे। उन्होंने न्यूज एंकर से पूछा कि आपके पास इसकी क्या मजबूरी है, आप किसका प्रचार कर रहे हो या क्या दिखा रहे हैं। टिकैत ने तेज आवाज में कहा कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पैरा है। अब जरा वो डिबेट भी आप सुन लीजिए जिस डिबेट में टिकैत एंकर पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अवैधानिक तरीके से कब्जा हो चुका है, कैमरा कलम पर बंदूक का पैरा है, क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की, आप किसका प्रचार कर रहे हो, क्या मतलब सर, ये क्या दिखा रखा है सर, ये देश इस पर चल रहा है क्या? क्या लिखा है ये, क्या दिखा रखा है, देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम, ऊपर देखिए क्या लिखा है, मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पर, क्या लिखा है ये देखिए, क्या दिखा रखा है, आप चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते, टिकैत साहब आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, मंदिर और मस्जिद, अरे ये क्या लिखा है, चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पे चिल्लाने का, टिकैत साहब यू समझ लीजिए, आप कोई अधिकार नहीं है, हमारे मेहमान है आप, इसका मतलब ये नहीं है, रुक जाओ मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, टिकैत साहब टिकैत साहब टिकैत साहब, कैमरा और कलम पे बंदूक का पैरा है, टिकैत साहब मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें, आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का, बस साफ साफ, वो क्या है, ये क्या है, आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, ये नीचे क्या है, आप पढ़ सकते हैं, ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से आया, मंदिर भी है मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ, आप तय नहीं करेंगे यहाँ पे, चुनाव से मुद्दे आप क्या करते हैं, ये एक सेकंड यहाँ दिखाओ आप, अरे टिकैत साहब या तो आप नेता बन लो और कहो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, हम नहीं है नेता, ये आप जैसे लोग मुद्दे बनाते हैं, कौन मुद्दा बना रहा है, मुद्दा मंदिर का मुद्दा पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा, उनसे कहिए उनसे, अरे देश की सरकारें, देश की सरकारें जो काम कर रही है वो, ये किसान का मुख्यमंत्री बड़ा प्यार चल रहा है, अगर आप चल रहा है किसान कहना का है हमारा, इसको बात नहीं करेंगे, किसान में बात करते करते आ गए आप, आए हिंदू मुसलमान पे, मैं आपसे किसान के मुद्दे की बात कर रहा था, आप मैं आपसे छुट्टा पशु की बात कर रहा था, आप कर रहे थे आप, अरे तो ये पढ़िए ना ऊपर क्या लिखा है, क्या लिख रहा है ऊपर, क्या पढ़िए, किसान का मुख्यमंत्री कौन, आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमें डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं होऊंगा नहीं डिफेंसिव, टिकैत साहब अगर आप ये सोच के आए तो मैं आपसे किसान की बात, जो यहाँ पर देखा मैंने वो बताया है, अरे अरे सर ये ऊपर जो पढ़ा है वो है मेन, वो टॉपिक आपके लिए वो है, अरे आप आपका टॉपिक, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पूरे देश, हमने किसान का नेता समझ के बुलाया, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं, मैं आपसे किसान के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, आप बात करो ना किसान के मुद्दे, हाँ तो आप क्यों ऐसे कैसे चिल्लाए, आप ये क्या तरीका बात करने का, मैं भी वेस्टर्न यूपी का यूटी का साहब, अरे आप कहीं के भी हो भाई, जो मुझे दिखा मैंने वो बताया, नहीं जो पढ़ा जो वो टॉपिक आपके लिए वो है किसान का मुख्यमंत्री का, अरे वो है टॉपिक आपका, ये पूरे दिन रहेगा, ये पूरे दिन नीचे रहेगा, आप लगा लो भाई, तो आप सुनना नहीं चाहते, हमने कहा कि देश मैं आपकी मनमानी तो नहीं चलने दूंगा सर, आप मेरे मेहमान है, आपका सम्मान है, स्वागत है, लेकिन ऐसे तो नहीं आप कर सकते,